नमस्कार जैन, कैसे आप लोग? गाइस आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लेकर आई हूँ वर्ल्ड कप मैच नंबर 46, जिसमें हम बात करेंगे यूएसए वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के प्रेडिक्शन के बारे में। तो गाइस T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज खत्म हो गया है, तो अभी सुपर ईट राउंड स्टार्ट हो गया है, जहाँ टॉप टीम्स में फाइट चल रही है। यहाँ जीत दर्ज करने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटवाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइस 46वें मैच की, जिसमें एक तरफ है यूएसए तो दूसरी तरफ है वेस्ट इंडीज़। तो दोनों पड़ोसी देश होने के साथ साथ वर्ल्ड कप के मेजबान में भी होंगे आमने सामने। ऐसे में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद होंगी गाइस, और दोनों पहली बार क्रिकेट में आमने सामने होंगी। ये दोनों टीम खेलेंगी 22 जून को बारबाडोस के कैंगस्टोन ओवर में आमने सामने होंगी। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो बारबाडोस में मौसम का अनुमान है कि मौसम क्लियर रहेगा। मैच के दिन यहाँ पे आसमान साफ रहेगा और रेन चांस 25%, ह्यूमिडिटी 67%, टेम्परेचर 27 डिग्री रहेगी। और पिच एनालिसिस की बात करें, यहाँ की पिच T20 बैटर्स के लिए टफ है, और यहाँ की पिच है अपनी स्लो आउटफील्ड के लिए जानी जाती है। यहाँ पे कंडीशन स्पिन बॉलर्स को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, और उनके अलावा और शुरुआती सीम मूवमेंट स्विंग बॉलर्स की मदद करेंगे। बीच रिपोर्ट की बात करें, विनिंग परसेंटेज का प्रेडिक्शन कहते हैं कि फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 61%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 35%। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 153 है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 133। तो गाइस अब बात करते हैं जल्दी से वेस्ट इंडीज शॉर्ट एनालिसिस की। तो रोमन पोविल की टीम लगातार 4 जीत के साथ टूर्नामेंट के सुपर 8 में पहुँच गई है, और लेकिन सुपर 8 के पहले ही मैच में टीम को इंग्लैंड के करारी हार झेलनी पड़ी, और अब यहां पर टीम को बचे हुए 2 मैच जीते ही होंगे। और ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्लिस जबरदस्त ओपनिंग कर रहे हैं, और नंबर 3 पर निकोलस पुरान ने लास्ट गेम में 36 रन बनाए थे। वो अब तक टूर्नामेंट में 200 से रन बना चुके हैं, और नंबर 4 पर है कैप्टन पोवेल ने भी 211 के SRA से 36 रन बना मारे थे। और सिर्फ पेन और रदरफोर्ड ने भी यहाँ पे एंड्रे रुसेल सबसे बिग हीटर हैं, जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग लाइनअप को मजबूत करते हैं, और रुसेल अब तक फ्लॉप ही चल रहे हैं। लास्ट गेम में टीम की बॉलिंग उसकी कमजोरी साबित हुई है, और अलजारी जो से 5 मैच में अब तक 8 विकेट ले चुके हैं, और लास्ट गेम में ओबेड मोको ने ड्रॉप किया था उन्होंने, और गुडाकिस मोती 7 विकेट और अकील हुसैन 9 विकेट लेकर टॉप स्पिनर है। रोमारियो शेफर्ड एंड एंड्रे रुसेल भी सफलता दिला सकते हैं। और वेस्टइंडीज प्लेइंग आईडी की बात करें तो ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्लिस, निकोलस पुरान, साई होप, रोमन पोवेल, एंड्रे रुसेल से और सिर्फ रदरफोर्ड, ओबेड मोकी, अलजारी जोसेफ और गुडाकिस मोती, अकील हुसैन। की प्लेयर्स की बात करें तो ब्रेंडन किंग और निकोलस पुरान है, एंड्रे रुसेल है। यूएसए शॉर्ट एनालिसिस की बात करें गाइस, तो टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, और पहली बार ही टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को सरप्राइज कर दिया है और कड़ी टक्कर दी है। और टीम ने लास्ट गेम में साउथ अफ्रीका को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन लास्ट गेम में कुछ रन से पिछड़ी गई थी, और टीम के लिए यहाँ पे बड़ा झटका ये लगा कि उसके रेगुलर कप्तान मोनंक पटेल इंजरी के चलते खेल नहीं पा रहे हैं। ओपनिंग में स्टीवन टेलर और एंड्रे गॉस ने खेल रहे हैं, और एंडर ने लास्ट गेम में 80 रन बनाए थे। नंबर 3 पर नीतीश कुमार को मौका मिला था, और नंबर 4 पर कप्तान आरोन जॉन्स ने अब तक 141 रन बनाए हैं। लोअर ऑर्डर में कॉरी एंडरसन और हरमीत सिंह और अच्छे हिटर हैं। हाल के मैचों में बॉलिंग में अटैक ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन टीम ने 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ ट्राई किए थे, और सौरभ और नेत्रवलकर ने भी टीम को लीड कर रहेंगे, और लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। अली खान ने भी काफ़ी सारे रन लुटा रहे थे, और हरमीत सिंह ने भी 2 विकेट लिए थे। पार्ट टाइमर्स ने जबरदस्तप्रीत सिंह और कॉरी एंडरसन ने से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी सबको। और यूएसए प्लेइंग आर की बात करें गाइस, तो शेर और सेनस और जंजीर है, और स्टीवन टेडर है, एंड्रिस गोस, आरोन जॉनिस, नीतीश कुमार, कॉर्नी एंडरसन, हरमीत सिंह, अली खान, जसदीप सिंह है, और नस्तूस कैंगिंज है, सौरभ है। और की प्लेयर्स की बात करें गाइस, तो कॉरी एंडरसन, सौरभ नेत्रावलकर और स्टीवन टेलर है।
ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम की बात करें तो विकेट कीपर में है निकोलस पुरान, बैटर्स में शामिल है जॉनसन, चार्लिस एंड्रिस, गोगोस, आरोन जॉनिस, स्टीवन टेवलर। बॉलर्स में शामिल है सौरभ नेत्रावलकर और गुडाकिस मोती हैं। ऑलराउंडर में शामिल है कॉरी एंडरसन, एंडरुसे सेरफन, रुथरफोर्ड, रोमन पॉवेल। प्लेइंग अब गाइस बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है और लेकिन यूएसए जिस तरह का खेल खेल रहे हैं उस वक्त दिख रहा था जैसे कि उसको देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम की स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए वेस्ट इंडीज़ थोड़ा आगे हैं, जिसको देखते हुए मैच का विनर वेस्ट इंडीज़ हो सकता है। तो गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े नई खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे के सारे मैच के रिलेटेड, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़ मिल जाएंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।